में एक पावन व्रत आता है, पूरब ये मनाता है। जीवित पुत्री का व्रत की सुनिए अमर ये गाता है, पुराण बताता है। पुत्रों की जो दीर्घायु है तो मनाया जाता है, व्रत करती माता है। जीवित पुत्री का व्रत की सुनिए अमर ये गाता है, पुराण बताता है। जितिया व्रत बड़ा महान, दीर्घायु हो संतान। जितिया व्रत बड़ा महान, दीर्घायु हो संतान। गंधर्व कुल के थे एक राजकुमार, परोपकारी हृदय से अपने थे वह बड़े उदार। वृद्ध पिता ने सौंप दी उनको शासन की पतवार, लेकिन उनके मन ना भाया छोड़ दिया आसन। पिता की सेवा करने हेतु निकल पड़े वो वन, वहीं पे राजकुमारी पुत्र की बारी है। जी मुत ने जब सुनी, गरुड़ के आगे अपने तन की बलि चढ़ाता है, मन जीत ले जाता है। जीवित पुत्री का व्रत की सुनिए अमर ये गाथा है, हाँ अमर ये गाथा है। जितिया व्रत बड़ा महान, दीर्घायु हो संतान। जितिया व्रत बड़ा महान, छीनी दिव्य मणि। इससे अश्वत्थामा की
कृष्ण जी पुण्य लुटा के उसके बने रक्षित, जीवित पुत्रिका वही बने थे आद्य परीक्षित। तब से जितिया व्रत की पूजा करती माता है, जो फल दे जाता है जीवित पुत्रिका व्रत की। सुनिए अमर ये गाथा है, हाँ अमर ये गाथा है। जितिया व्रत बड़ा महान, दीर्घायु हो संतान। जितिया व्रत बड़ा महान, दीर्घायु हो संतान। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के शुभ दिन, निर्जला निराहार हो माता करती है पूजन। सप्तमी को ही नहाए खाए को विधिवत करना है, पवित्र नदी में स्नान करके ही भोजन करना है। फिर कुछ भी ना खाना पीना होता है त्रय दिन। दीर्घायु पुत्रों के है बड़ा कठिन, जीवित वाहन देव की प्रतिमा तुम्हें बनानी है, उस पे लाल सिंदूर का टीका उन्हें लगानी है। करना पड़े ना कभी सामना पुत्र वियोगी का, करे कामना खुशबु तिवारी पुत्र निरोगी का। पारण प्रेम नवमी के दिन में किया जाता है, व्रत पूर्ण हो जाता है जीवित पुत्री का। व्रत की सुनिए अमर ये गाथा है, पुराण बताता है। जितिया व्रत बड़ा महान, दीर्घायु